नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बपोरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपके सारे पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बड़ा गौर से देखिए क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों के लिए एक काम की बात है। सभी के मन के डाउट आज क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो आप अगर देख लेंगे तो बार बार दूसरी वीडियो सर्च करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो भाई की कमेंट पे कि भाई हमारे घर में लोग बोलते हैं कि कबूतर पालना अशुभ होता है, इन्हें मत पालो। तो क्या कबूतर पालना शुभ होता है या अशुभ होता है, तो प्लीज़ बताएं क्या होता है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कोई सी भी वीडियो देखेंगे, सिर्फ लोगों का काम रहता है कि वीडियो बना के डालना YouTube पे पॉपुलर होना, फेमस होना। बाकी मेन चीज़ जो होती है वो नहीं बता, वो कौन बताएगा? जो कबूतरों के बीच में दिन रात रहता है वही आपको बताएगा कि ये अच्छी चीज़ है, अच्छे परिंदे हैं कि बुरे हैं, इनसे शुभ होता है कि अशुभ होता है। आप मेरे से ना पूछे, किसी और से पूछ ले जो 10-20 साल कबूतर पाल रहा है और उसके बाद भी खुशी खुशी रह रहा है, इंजॉय कर रहा है, उससे पूछे तो वो भी बोलेगा भैया एक नंबर पक्षी है यार। जब तक इनको दाना पानी दो, इनके बीच में आधा घंटा 15 मिनट बिताओ, नहीं खाना नहीं हजम होता, खाने के लिए इच्छा नहीं होती। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये शुभ होते हैं कि अशुभ। मैंने पहले ही बोल दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सभी को डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हर धर्म में अपने अपने हिसाब से इनको कुछ ना कुछ बताया है। मगर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक इंसान हो, आप में इंसानियत है, वो एक परिंदा है और वो आपके भरोसे है। अब मान लीजिए कि जंगली है तो आपके भरोसे नहीं रहेगा। कहीं कहीं को जंगलियों को भी दाना डालते तो बराबर उसकी छत पे आएंगे, वो पानी पीने के लिए रखते हैं, बराबर उसकी छत पे पानी पीने आएंगे। शुभ या अशुभ, ये दो पॉइंट होते हैं और इसी को हर नया कबूतरबाज पहले देखता है कि अरे यार क्या कबूतर पालना शुभ होगा क्या अशुभ होगा, मैं लाऊंगा तो क्या होगा। कोई कबूतर लाता है तो उसके घर परिवार वाले, अरे ये क्या लिया, ये अशुभ होते हैं, ये फलाना होते हैं, धमाका होते हैं। तो भाई मैं आज 21 साल मेरे को कंप्लीट होने वाले हैं कबूतर पालते पालते, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अंधविश्वास में जियोगे कि अरे यार ये कबूतर पालने से मेरा ये नुकसान हो गया, तो आप हर जो नेगेटिव चीज़ हुई आपके साथ, आप कबूतरों पे या भैंस पालनी मान लीजिए, भैंस पालने के बाद में आपका कोई 1-2 लाख का नुकसान हो गया तो आप उसे अशुभ ठहरा दोगे क्या? कह रहे यार भैंस पालने से मेरा नुकसान हो गया, ये अशुभ। गाय पाल ली, 1-2 लाख का नुकसान होगा, तो उसने थोड़ी ना बोला भाई कि तुम नुकसान करो, उसने थोड़ी ना किया, वो तो खूंटे पे बंदी है बेचारी, वो कहाँ नुकसान कर लेगी। तो भाई आपका अशुभ टाइम कब आता है, जब आप कबूतर तो पाल लेते हैं बाकी साफ सफाई नहीं रखते, बीटों का ढेर लगा है, 2-2 इंची, 1.5-2 इंची बीटों का ढेर लगा है, गंदगी हो रही, बारिश का पानी उसी में आ रहा, दाना उसी में खा रहा है कबूतर, बारिश के पानी से कीड़े पड़ रहे हैं उसमें, कोई आपकी छत पे आएगा गंदगी देख के वहाँ बैठना पसंद नहीं करेगा, वहाँ बास आ रही है, तो आपके लिए ये अशुभ है। अशुभ क्या, आप गंदगी फैला रहे हो, तो भाई आप इसको अशुभ खुद बना रहे हो, ये कबूतर नहीं बना रहे, उनके भगवान ने ऊपर वाले ने हाथ पैर नहीं दिए कि वो साफ सफाई कर पाए। तो भाई इनको अपने हाथ से हम शुभ या अशुभ बनाते हैं, वो बेजुबान परिंदे, मासूम परिंदे हैं, वो शुभ या अशुभ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप उनको साफ़ सफाई रखें, मस्त पत्ता वत्ता मार के हर रोज़ बीट वीट को साफ़ करें, झाड़ू वाड़ू लगाएं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं रहने दें। जब भी झाड़ू लगाएं अपने लाफ्ट में, अपने दड़बे में, अपने पेटियों में, मुँह से रुमाल बांध लें या मास्क लगा लें या कोई भी सूती कपड़ा बांध लें, उसके बाद आप साफ सफाई रखें, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आप पालो, शौक से पालो, बाकी कभी भी अपने कबूतरों के यहाँ गंदगी मत रखो। गंदगी रहेंगे तो अच्छे खासे, इंसान भी अगर गंदे रहेंगे तो उनको भी लोग
अशुभ बोलेंगे और तरह तरह की गालियाँ देंगे, साले तू गंदा है ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें अपने कबूतरों के साथ मत करो, कबूतर पालो शौक से पालो, मगर जितनी साफ सफाई रखो उतना अच्छा है। आप अगर कबूतर पालते हो, महंगे कबूतर पालते हो, और अगर हर महीने 5 से 4 जोड़ी कबूतर के बच्चे बेच देते हो, महंगे महंगे कबूतर जो 8-8, 10-10 हज़ार के कबूतर होते हैं, उनके अगर हर महीने अगर आप 2-4 जोड़ी बच्चे अगर बेच देते हो, तो आपका बिजनेस फले फूलेगा, आपका धंधा जो है कबूतरों का खूब अच्छे से चलेगा। आप हर महीने 10-20 हज़ार रुपये उनसे कमा रहे हो, आपके लिए शुभ है। बाकी आप यही गंदगी में रह रहे हो, ढेर सारे कबूतर कर लिए, वो सब मिल नहीं रही है, टाइम टेबल से साफ करते नहीं हो, तो भाई ये अशुभ है। अशुभ हम बनाते हैं किसी भी चीज़ को, शुभ भी हम ही को बनाना पड़ता है। किसी के भरोसे मत बैठो, अपनी साफ सफाई करो, अपने परिंदों को अपने हिसाब से रखो भाई। इसमें कोई भी शुभ या अशुभ नहीं होता है, एक बेजुबान परिंदा है, अच्छा परिंदा है, आप इसको शौक से पालो, आपके लिए दिन रात वो तैयार रहेगा। आपने हाथ पे ट्रेन किया, सीटी मारो, हाथ लंबा करो तो आपको हाथ पे आके बैठेगा, ऐसा कोई नहीं है। अपने मन से भ्रम या डाउट निकाल दो कि ये अशुभ होते हैं। किसी के लिए अशुभ नहीं होता, कोई किसी के लिए अशुभ नहीं होता है, हमारे मन की भावनाएँ हैं। तो भाई आप समझ गए होंगे कि ये एक अच्छा परिंदा है और इसको शुभ और अशुभ हम खुद ही बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।